الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هزار السالة تجقر أي مدينة
चमका तुम घर भी न तुझसे मैं जुड़ा होता। ऐ जन्नत तुझ में हूँ कसूर रहते हैं मैंने भी माना दिल भूर रहते हैं मेरे दिल का तवाफ कर ऐ जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मोहब्बत के साथ आवाज बुलंद इबादत की नियत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله سبحان الله। मेरे वाजिब एहतराम दोस्तों बुजुर्गों मुझसे पहले बहुत सारे उलमाए कराम खसूसन हजरत मौलाना मोहम्मद फियाज मदनी साहिब दामत बरकातहुम आलिया हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज साहिब दामत बरकातहुम आलिया हजरत मौलाना हफीजुल्लाह ताहिर साहिब दामत बरकातहुम आलिया ने खत्मे नबूवत के हवाले से काफ़ी बातें आप हजरात के गोश गुजार की हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ मेरे बाद इंशाअल्लाह उस्तादुल उलमा मुजाहिद खत्मे नबूवत हजरत मौलाना नूर मोहम्मद हजारवी साहिब दामत बरकातहुम आलिया का इस उनवान पर तफसीली बयान होगा। मैं चंद बातें हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत का काम करने वाले चंद अशख़ास का जिक्र करना चाहता हूं जिनमें से सबसे पहले खत्मे नबूवत का काम करने वाले हजरत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे सैयदना सिद्दीक अकबर है। कौन है जी? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। तो क्या आप भी हजरत सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं? आप सब सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं। जो सिद्दीक अकबर का गुलाम है रब्बे अकबर की कसम वो खत्मे नबूवत पे आज नहीं आया। ये जमाती उस्मानी का महीना भी है। जमाती उस्मानी की 22 तारीख को खलीफा बिलाफस खलीफतुल मुस्लिमीन सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का दिन भी है। उसके बाद सबसे पहला दज्जाल कज़्ज़ाब मुसैलमा कज़्ज़ाब था जिसने नबूवत का झूठा दावा किया। आखिर में उस दज्जाल और कज़्ज़ाब का मुकाबला करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। कौन थे? और आज हमारे दौर का जो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को सबसे ज्यादा जिसने बेनकाब किया, सबसे ज्यादा जिसने उसके कुफ्र को आम किया, सबसे ज्यादा जिसने बर्रे सरीर के अंदर गली गली कूचे कूचे जाकर
शख्सियत का नाम सैयद अताउल नसा बुखारी है। तो सैयद अताउल नसा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वाह बुखारी क्या बात है। फरमाया बुखारी की जिंदगी या जेल में गुजरी है या जेल में गुजरी है। सैयद अताउल नसा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के 10 साल से कमोबेश जेल के अंदर गुजरे हैं। 10 साल इनके जेल के अंदर कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से कोई बात नहीं। जेल जाने की वजह क्या है? खत्मे नबूवत की पहरेदारी करना। आप ये बताओ, और मां ने सारा आपको बताया और मां इकट्ठे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह एक तंजीम बन गई। अगर कोई मिजाई इस इलाके के अंदर, कोई बदतमाश इस इलाके के अंदर अगर गुलाम अहमद कादियानी की किसी किस्म की कोई तारीफ करता हुआ या उसकी तरफ दावत देता हुआ अगर उसके खिलाफ बोलना इहतजाज करेंगे, आप साथ दोगे? अगर रात को आपको बुलाया जाए आप आएंगे? आप छोड़ के आना पड़े आप आएंगे? और अगर आपको कुर्बानी देनी पड़े देंगे? पक्का वादा है मस्जिद में बैठकर। और याद रखो इंशाअल्लाह इन उलमा ने ये एक तहिया किया है, वादा किया है, और अल्लाह के साथ हम आज मस्जिद में बैठ के भी वादा करते हैं जो मिर्जाई इस इलाके में किसी किस्म की कोई बदमाशी करेगा हम इंशाअल्लाह उसका पीछा करेंगे और उसको आगे तक नहीं छोड़ेंगे। यह हमें मिली है। मैंने पहले किया क्योंकि हम किसके गुलाम हैं? अबू बकर सिद्दीक के, सैयदना सिद्दीक अकबर के। हम किसके गुलाम हैं? बुलाओ ना, जोर से बोलो ना, हम किसके गुलाम हैं? जो सिद्दीक अकबर का गुलाम है वो कहे हम किसके गुलाम हैं? सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं। क्या मत वाले दिन सिद्दीक अकबर के साथ आप उठना पसंद करते हैं? आप ये चाहते हैं कि हमारा खात्मा सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ हो? अल्लाह हू अकबर, वाह सिद्दीक तेरी क्या बात है, है वाह सिद्दीक, क्या सिद्दीक था। फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने कितनी बड़ा मकाम अता फरमाया था, अल्लाह ने उनको इतनी मालो दौलत अता फरमाया था कि 6 रेशम की उनकी दुकानें थी। अल्लाह हू अकबर। फरमाया मक्का मुकरमा की चीफ जस्टिस से लोगों के फैसले किया करते थे। जब इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सब चीज आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक के ऊपर कुर्बान कर दी। अल्लाह हू अकबर। वह सिद्दीक के अकबर क्या वक्त है? एक वक्त आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे का ऐलान फरमाया, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर का सारा सामान उठाया, दीवार में से एक सुई भी थी वो भी ढूंढ के निकाली। अल्लाह हू अकबर। सामान लेकर तशरीफ ला रहे थे इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार के अंदर, रास्ते के अंदर बाजार में देखा कि मेरा ये जो वजूद है, वजूद के ऊपर जो लिबास है, ये लिबास बड़ा मेरा कीमती लिबास है, आज मेरे पैगंबर को माल की जरूरत पड़ी है। वाह अबू बकर सिद्दीक तेरे क्या कहने हैं, वाह अबू बकर सिद्दीक तेरा क्या मकाम है, वाह अबू बकर सिद्दीक तूने अपने जिस्म का लिबास भी मेरे आका की जात अक्दस के ऊपर कुर्बान कर दिया। सिद्दीक अकबर ने लिबास उतारा, उसको बाजार के अंदर फरोख किया, खुद अपने जिस्म के ऊपर टाट का लिबास पहना। कौन सिद्दीक अकबर? अल्लाह हू अकबर। जिस सिद्दीक अकबर को अल्लाह के सलाम आते हैं आज जिस्म के ऊपर टाट का लिबास है, पहुंचे इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में, सिद्दीक क्या लेके आए हो या रसूलुल्लाह? जो कुछ था लेके आया हूँ। घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए या रसूलुल्लाह? घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया। रसूलुल्लाह सिद्दीक अकबर।
خلافت راشدہ زندہ ختم نبوت زندہ اہل سنت والجماعت زندہ تکبیر واسطے تیری کیا شان ہے جب صدیق نے اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا پیغمبر کی دربار میں حاضر ہوئے اللہ کو اکبر میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا جبریل علیہ رب جلیل فرمایا نورانی لباس کو اتار دو اللہ کو اکبر دیکھ میرے صدیق نے کتنی بڑی قربانی کی ہے دیکھ میرے صدیق نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے آج میرے صدیق اللہ اکبر جس راہ ہم
यहाँ बैठ के सिद्दीक की गुलामी को पसंद करते हैं, सिद्दीक की गुलामी को कबूल करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से आके कहेंगे कि हम सिद्दीक के गुलाम हैं, अल्लाह की कसम है रोजा रसूलुल्लाह पे जब सामने सिद्दीक अकबर खड़े होंगे हौज़े कौसर के ऊपर, हौज़े कौसर के ऊपर अल्लाह के रसूल आबे हौज़े कौसर पिला रहे होंगे, सामने सिद्दीक अकबर खड़े होंगे। जब हम जाएंगे अगर हमें फरिश्ते रोक भी देंगे तो हम कहेंगे हम अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आए हुए हैं। तो आप दिल से कहो हम किसके गुलाम हैं? जो सिद्दीक का गुलाम है वही कहे। हमने जिस तरह अजमत अजमत मोहम्मद मुस्तफा का तहफ्फुज़ करना है, इसी तरह अजमत सहाबा का तहफ्फुज़ करना है। अल्लाह की कसम है जो खत्मे नबूवत पे डाका डालता है वो पहले सहाबा को भूखता है, वो पहले सहाबा की इज्जत पे डाका डालता है, क्योंकि उसको पता है अगर हम सहाबा को कमजोर कर देंगे तो फिर खत्मे नबूवत पे डाका मारना आसान हो जाएगा। अगर हम पहले सहाबा को कमजोर नहीं करेंगे तो हम खत्मे नबूवत पे डाका नहीं मार सकते। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक वक्त इंतहाई कम है, मेहमान हजरत ने बयान करना है, हम तो मकामी हैं फिर भी अर्ज करते रहेंगे। अगली बात हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे एक वाक्य याद आ गया। हजरत मौला गुलाम रसूल खान रहमतुल्लाह अलैह शेख उल हदीस हैं, उस्ताद कुल हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। अल्लाह को पर उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब उन्होंने बयान किया। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्वाब को नकल किया। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सहाबा की मजलिस है, सहाबा की मजलिस लगी हुई है। फरमाया उसी सहाबा की मजलिस के अंदर सैयद इसीलिए तो उलमा ने लिखा फरमाया कि इस ख्वाब की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की दस्तार करा सकते थे, किसी और सहाबी से भी दस्तार करा सकते थे, लेकिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया। मतलब ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खत्मे नबूवत का सबसे बड़ा सबसे पहला मुहाफिज हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिफाजत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में अल्लाह ने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की दस्तार करवा दी। अल्लाह अकबर, मैं अर्ज कर रहा था सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अल्लाह अकबर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे बड़े शरीर के अंदर जगह जगह जाकर मिर्जाई के कुफर को ललकारा, जगह जगह जाकर मिर्जाई के कुफर को आम किया, हर जगह जाकर हर गली जाकर हर कूचे के अंदर जाकर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जाई को काफिर कहा। अल्लाह अकबर, बहावलपुर की अदालत लगी है, मैं सिर्फ मुख्तसर हजरत बुखारी के मुताल्लिक बात अर्ज करना चाहता हूँ। एक मुकदमा चला पाकिस्तान की कौमी असेंबली से पहले भी, फरमाया तो बहावलपुर की अलग रियासत थी, उसकी अदालत ने पहले मिर्जाइयत के कुफर के ऊपर फैसला जारी किया था। वहां सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया जस्टिस मुनीर मिर्जाई था, उसने कहा बुखारी हमने सुना है कि तू मिर्जाई को काफिर कहता है। अल्लाह अकबर, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मस्जिद में आएंगे, फरमाया कहता हूँ क्या, कल भी कहता था आज भी कहता हूँ, जब तक जान बाकी है कहता रहूंगा। क्या कहते रहूंगा? रोज बोलो मिर्जाई काफिर है, रोज बोलो मिर्जाई काफिर है, रोज बोलो मिर्जाई काफिर है। अल्लाह हू अकबर।
सुना है कि तू कहते